अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून 2024 और इतवार का दिन। सबसे बड़ी बात आज ईद उल अज़हा है, यानी कि बकरा ईद है। तो अभी दिन चढ़ना शुरू हुआ है, अभी स्ट्रीट लाइटें बंद भी नहीं हुई, तो मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ। अभी तैयारी करके हमने ईद की नमाज़ अदा करने जाना है। इस वीडियो में दिखाएंगे कि हमारा ईद का दिन कैसे गुजरता है। यकीनन आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह। وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا if you're waiting for something for a long period of time, it's something that you desire, particularly children. And after waiting for a long period, हमने ईद की नमाज पढ़ ली है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। घर आ चुके हैं, ये देखें आज नाश्ते में क्या क्या चीज़ है। ये चिकन रोल्स हैं, फ्रेंच फ्राई हैं, ये स्पेशल ईद की डिश है सेवियाँ, इसको और क्या कहते हैं सर, शीर खुरमा। तो ये रोटी है और ये सैलड है, इसको क्या कहते हैं सर, कौन सा सैलड? तो ये हलीम है। आपने हमारी सुबह की ईद की मसरूफियात देख ली हैं, तो अब दोपहर का टाइम है, तो हम एक पार्क में जा रहे हैं, वहाँ एक पहाड़ भी है, हम हाइकिंग भी करेंगे, तो हम निकल रहे हैं एक सैर के लिए। यहाँ तो ईद ऐसे ही गुजरती है, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे रिलेटिव है सबसे मुलाकात हो चुकी है। हमने स्टोन माउंटेन पार्क की हाइक शुरू कर दी है, यानी कि पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया है। तो सब मेरे साथ हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे ये ऐसे सफ़र बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ी सी स्ट्रगल हो, पसीना आए। तो बाकी मैं शहजाद आपको बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ कश्मीर की पहाड़ियाँ भी चढ़ा हूँ, सऊदी अरेबिया में गारे हरा पे भी चढ़ा हूँ हाइकिंग करके, उसके बाद गारे सौर पे भी चढ़ा हूँ। तो इस वक्त हाइकिंग कर रहा हूँ और आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। Just fall down, you know you can.
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ से बहुत प्यारा नज़ारा है, अटलांटा सिटी नज़ारा है। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है, जोर ज़्यादा नहीं लगता। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए तकरीबन 100 साल पहले किसी ने यहाँ पे खुदाई करके अपना नाम लिखा है, पूरे 100 साल पहले। तो अभी तक ये मौजूद है नाम है। ये एक छोटा सा कुश्ती का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ लेक है, शिजीर आपको नज़र आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पे एक बड़े देसी तरीके से फिशिंग करेंगे। ये हम कुंडी को चिकन का पीस लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल देसी कुंडी बनाई है हमने। अब देखते हैं ये मछली इसमें कैसे आती है। ये देखें, ये देखें हमने एक मछली पकड़ ली है। ये देखें ये इसका ये चीज़ जो है ना, मुझे बड़ा तरस आता है इसका कांटा निकालते हुए। ये देखिए बहुत खूबसूरत मछली है, ठीक है। अब इसको दोबारा हम छोड़ देंगे। और तो एक अब फिशिंग के बाद अब हम जा रहे हैं एक अच्छी सी जगह पे, जहाँ पे बहुत टेस्टी खाना खाएंगे हम इंशाल्लाह। अब हम इस आइलैंड से बाहर निकल रहे हैं। ये देखें इस तरफ भी लेक है, लोग अभी आ रहे हैं लेकिन हम वापस जा रहे हैं। हम ये होटल में आए हैं खाना खाने, इसका नाम है नान करी। हमारा खाना सिखाया, अब हम शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना शाना खा के खूब मज़े करके ईद का दिन सारा बाहर स्पेंड करके तो हम घर आ गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा रहम, तेरा करम।